क्योंकि उनके पेरेंट्स शायद एक लड़की की जगह एक लड़का चाहते थे उनकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी जब वह प्रेग्नेंट थी तब उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया था सिंधु ताई ने कठिन समय में बड़ी मजबूती से परेशानियों का सामना किया जब वह खुद हैंड टू माउथ थी दैट मीन्स जब वह खुद हर चीज़ के लिए मोहताज थी तब उन्होंने बच्चों को अनवांटेड बच्चों को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे वह करीब चौदह सौ होमलेस बच्चों की माँ बन गए इट वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर सो नाउ स्टार्ट द चैप्टर द फर्स्ट पैराग्राफ सिंधु ताई सक सक इज मच मोर देन जस्ट आर नेम दिस लेडी इन हर लेट सिक्सटी हाइट्स मैनी आर स्टोरी ऑफ हार्डशिप एंड पेन बिहाइंड हर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डिस्पाइट हैविंग फ्रॉम है blows in her life she resonates energy and passion and is fondly referred to as the mother of offense and as she talks about her life and her children you can see the pain the troubles and the miseries she has faced and overcome with her hard work during her, her lifetime द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ देट मीन्स सिंधुता इज सिक्सटी ईयर्स ओल्ड लेडी देर आर मैनी स्टोरीज ऑफ हार्डशिप एंड पेन बिहड हर पर्सनैलिटी यानी सिंधुता एक साठ साल की लेडी हैं और उनकी बहुत सारी कहानियाँ उनकी मेहनत की शी इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑफ ऑफेंस यानी कि वो उन्हें अनाथों की माँ कहा जाता है शी टेल्स अबाउट हर लाइफ एंड हर चिल्ड्रन हाउ शी फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ यानी कि वो अपनी लाइफ के बारे में और अपने बच्चों के बारे में जिनको उन्होंने एडोप्ट किया था उनके बारे में बातें है, करती हैं और वो ये बताती हैं किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को फेस किया था नेक्स्ट लाइन्स बट डिस्पाइट्स ऑल दिस शी एक्स एक्जूट्स एन अनयूजल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विच शी हैज अक्वायर्ड ओवर द ईयर्स थ्रू हर एक्सपीरियंसिस एंड विच इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्परेशन फॉर दोस्त डैट मीन्स शी गॉट एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्फिडेंस फ्रॉम हर हार्डवर्क नाउ शी हैज बिकम इंस्परेशन फॉर अदर्स उन्होंने अपनी मेहनत से एक अनुभव प्राप्त किया और एक कॉन्फिडेंस बनाया आज वो दूसरों के लिए इंस्परेशन है नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम देअर फॉर ऑल दोस्ट हु हैव नो बन शी शेज विद अ लॉट ऑफ अफेक्शन you can see flashes of her life as she talks about her journey and how she became the mother being an unwanted child she was nicknamed jindi which means a torn piece of cloth that means she said that she loved whose, who, he loves those who have no one she talks about, about them how she फे हाउ शी हैज़ बिकेम मदर ऑफ़ अनवॉन्टेड चिल्ड्रेन अ हर निक नेम वॉच चिन चिंदी इट मीन्स अ टोन पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि वो उन सभी लोगों से प्यार करती थी जिनका कोई अपना नहीं है और वो इस बारे में बात करती थी वो किस तरह से अनवॉन्टेड बच्चों की माँ बन गए निक नेम्ड चिंदी विच मीन्स अ टोन पीस ऑफ क्लॉथ और उनका जो निक नेम था वो चिंदी था और चिंदी मीन्स होता है एक कपड़े का फटा हुआ पीस टुकड़ा मतलब नेक्स्ट लाइन्स दो हर फादर सपोर्टेड हर एंड वॉजकीन ऑन एजुकेटिंग हर शी कुड नॉट कंटीन्यू हर स्टडी आफ्टर फोर्थ ग्रेड ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एन अर्ली मैरिज हर फादर वॉन्टेड दैट शी कंप्लीट हर एजुकेशन बट शी कुड नाट स्टडीड फोर एड आफ्टर फोर्थ ग्रेड ड्यू टू हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अर्ली मैरिज यानी कि उनके पा पिता ने भी उनको सपोर्ट करा कि वो आगे तक पढ़ाई करें लेकिन वो फोर्थ ग्रेड से ज़्यादा नहीं आगे पढ़ पाए अपनी जिम्मेदारियों की वजह से और जल्दी शादी होने की वजह से बॉर्न ऑन फोर्टीन नवम्बर नाइनटीन फोर्टी एट एट पिंपरी मेघ विलेज विलेज इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र उनका जन्म चौदह नवंबर उन्नीस में पिंपरी मेघ विलेज में महाराष्ट्र में हुआ था शी वॉज कीन ऑन कम्प्लीटिंग हर एजुकेशन एंड यूज बर्दी ट्री लिव्स टू राइट एज शी फैमिली कुड नॉट अफोर्ड अ स्लेट हर अर्ली मैरिज पुट एन एंड टू हर डिजायर टू स्टडी शी कुड नॉट कुट हर स्टडी आफ्टर फोर्थ ग फोर्थ ग्रेड शी वॉट शी वॉन्टेड कंप्लीट हर एजुकेशन बट शी कु नॉट डू इट यानी कि वो अपनी एजुकेशन कम्प्लीट तो करना चाहती थी लेकिन वो इतनी गरीब थी एक स्लेट भी नहीं खरीद सकती थी और एक रीजन की स्टडी छूटने का ये भी रहा कि उनकी शादी जल्दी हो गई थी नेक्स्ट लाइन्स I was told there are only two processes in a woman's life. Once then she gets married and the other when she dies. Imagine my state of mind when she when they took me in a procession to my husband's home in Navargan Forest in Varda, she says. She said that she was told that only two ट्रेवलिंग इन वूमेन्स लाइफ वैंशी कैट्स मैरिज एंड वंशी डाइज यानी कि सिंधु ताई ने बताया कि उनको ये बताया गया था समझाया गया था कि किसी भी औरत की ज़िंदगी में सिर्फ दो बार यात्रा होती है एक जब वो शादी करती है दूसरी जब वो उसकी मृत्यु होती है यानी कि किसी भी लेडी के लाइफ में कोई भी डिज़ायर नहीं होती शी गॉट मैरिड एट अ टेंडर एज ऑफ 10 to a 30 years old man. Her abusive husband beat her and threw her out of the house when she was 20. On the same day, she had a baby girl and walked a few kilometers in that condition to her mother's place, who refused to give shelter to her. That means she was 10 years old when she got married. एंड हर हसबेंड एज वॉज थर्टी ईयर्स यानी कि जब उनकी शादी हुई थी वो दस साल के थे और उनके हस्बैंड की उम्र थर्टी ईयर्स थी ही वॉज नॉट गुड ही अब्यूज हिम एंड बीटर वन डे ही कॉट आउट हर फ्रॉम द हाउस और एक दिन वह उनको मारता पीटता था और एक दिन उसने उनको घर से निकाल दिया ऑन द सेम डे शी हैड अ बेबी गर्ल दैट मीन्स ऑन द सेम डे शी गेव अ बर्थ ऑफ बेबी गर्ल हर मदर रिफ्यूज टू गिव शेल्टर है यानी कि उसी दिन उन्होंने एक बेबी को एक बच्ची को जन्म दिया और उनकी माँ ने भी उन्हें शेल्टर देने से मना कर दिया नेक्स्ट लाइन से द इंसीडेंट अफेक्टेड हर डीपली एंड सोन आफ्टर शी स्टार्टड बैगिंग एट रेलवे प्लेटफॉर्म फॉर फूड टू लुक आफ्टर हर डॉटर आफ्टर दैट शी वेंट टू रेलवे स्टेशन एंड स्टार्टड बैगिंग एट रेलवे स्टेशन फॉर फूड एंड टू लुक आफ्टर हर बेबी girl next lines and she spent more time begging she realized that there were a number of orphans and children who were abandoned by their parents having faced difficulties herself she could feel their pain and took the life changing decision to adopt them she started begging मोर और नेस्टलीड इन ऑर्डर टू फीट द मैनी चिल्ड्रन दैट शी हैड नाव एडॉप्टेड सो सिंधुताई सैड हेयर दैट शी फेल्टैट देर आर मैनी ऑर फैंस अराउंड उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके पास बहुत सारे अनवॉन्टेड चाइल्ड हैं उनके आस पास दैट मीन्स एंड दे हैड मैनी प्रॉब्लम्स लाइक हर और उन्हें ऐसा लगा मेरी जैसी उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती सो शी स्टार्टेड मोर बैगिंग टू फिट थे और इसलिए उन्होंने ज़्यादा भीख मांगना शुरू कर दिया जिससे वे उनको भी खिला सकें नेक्स्ट लाइन ग्रेजुअली शी डिसाइडेड टू अडॉप्ट एवरी चाइल्ड हु केम अक्रॉस एज एन ऑफेंस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शी केम टू बी नोन एज द मदर ऑफ ऑफेंस That means she said now she decided to adopt children. She has adopted about 1400 orphans. Next lines. Till date, she has adopted and nurtured over 1400 orphans, helped them get an education, got them married, and supported them to settle down in life. शी इज़ फंडली रेफर टू एज माई द चिल्ड्रेन आर नॉट गिविन अप फॉर एडोपन शी टीस दैम एज हर ओन एंड सम ऑफ दैम आर नाव लॉयर्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स नाओ शी हेल्प डैम टू सेटल डाउन इन लाइफ उन्होंने उन बच्चों की लाइफ को अच्छे से सेटल भी किया जिन बच्चों को उन्होंने एडॉप्ट किया था शी इज एडोप्टिंग कंटिन्यू और उन्होंने एडोप्ट करना कंटिन्यू रखा शी लब्स दैम वेरी मच समेम लॉयर डॉक्टर हैं इंजीनियर और उनमें से कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन गए नेक्स्ट लाइंस वेन आई वॉज आउट माई सेल्फ ऑन द स्टीट्स वैगिंग फॉर फूड एंड फाइटिंग फॉर सरवाइवल ईच डे आई रियलाइज्ड दैट देर आर सो मैनी ऑफेंस

सो शी डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ दैम और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उन सब बच्चों की वो देखभाल करेंगे शी वटिड हर वर्क नेडर टू एलिमिनेट द फीलिंग ऑफ पार्शियलिटी अमंग चिल्ड्रन शी गेव अबे हर ओन बायोलॉजिकल और डॉटर टू अ फैमिली इन पुणे हर डॉटर हर सेल्फ रन्स एंड ऑर्फनेज टूडे शी हैड अ डॉटर शो शी वॉन्टेड हर वर्क फेयरली सो शी गेव हर ओन डॉटर टू अ फैमिली इन अ पुणे हर डॉटर ऑल्सो रन्स एंड ऑर्फनेज टुडे उनकी अपनी एक बेटी थी वो काम अच्छे से कर पाएं इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को एक पुणे की फैमिली में एक पुणे में एक फैमिली को दे दिया और आज उनकी बेटी खुद सेल्फ एक ऑर्फनेज चलाती है नेक्स्ट लाइन्स विद हर लव एंड कंपैशन सिंधुताई हैज गैदर्ड ह्यूज फैमिली ऑफ टू हंड्रेड सेवन सन्स इन लॉज थर्टी सिक्स डॉटर्स इन लॉ एंड ओवर थाउजेंड्स ग्रैंड चिल्ड्रन शी कंटिन्यूज़ टू फाइट फॉर द नेक्स्ट मील शी डज़ नॉट टेक सपोर्ट फ्रॉम एनी वन बट स्टिल गिव्स स्पेचि टू अर्न हर डेली ब्रेड एंड बट ना शी सेट दैट शी गैदर्ड अज फैमिली ऑफ टू हंड्रेड सेवन सन्स इन लॉज थर्टी सिक्स डॉटर्स इन लॉय एंड ओवर वन थाउजेंड ग्रैंड चिल्ड्रेन इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा कर लिया जिसमें दो सौ सात उनके दामद थे और छत्तीस उनकी बहुएँ थी और करीबन एक हज़ार उनके नाती पोते थे Still, she does not take any support to earn meal. And even today, she not support Next lines. By God's grace, I had good communication skills. I could go and talk to people in influence. Then, hunger made me speak and this became my source of income. I have been giving many speeches.

और आज भी वो जगह जगह स्पीच देती हैं और उनसे जो उनको पैसा मिलता है नेक्स्ट लाइन्स मैनी ईयर्स आफ्टर बींग अबेंडेंड बाय हर हस्बैंड ही केम बैक टू हर एंड अपोलोजाइज्ड फॉर हर फॉर हीज हर्स डीड्स हैविंग डिवोटेड ऑल हर लाइफ टू द ऑफेंस शी फॉर केप हिम एंड एक्सेप्टेड हिम एज हर चाइल्ड As she could only her motherly love for all However, motherly love for all she affectionately introduced her 80 years old husband as the eldest child she said that after many years her husband to come back to her and apologized for his बैड बिहेवियर उन्होंने कहा करीब बहुत सालों बाद उसका हस्बैंड उसके पास लौट आया और माफ़ी मांगी अपने गलत बिहेवियर के लिए शी फॉर गेप हिम एंड एक्सेप्ट हिम एज अ चाइल्ड और उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और एक बच्चे के रूप में एक अनाथ बच्चे के रूप में उन्होंने उसको अपना लिया शी इंट्रोड्यूस एट्टी ईयर्स ओल्ड हसबैंड एज द एल्डेस्ट और उन्होंने अपने अस्सी साल के हस्बैंड को एक सबसे बड़े बच्चे के रूप में सबसे इंट्रोड्यूस Next lines. She has received over 500 awards for her immense courage and compassion. Whatever she has received as awards in the form of money, she has used to construct homes for her children. It is an ongoing project and

काम के लिए और जो अवार्ड में अगर जहाँ पैसा मिला उन्होंने उस पैसे को उन गरीब बच्चों के मकान बनाने में लगा दिया नेक्स्ट लाइंस शी है सिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर हर नेम विच वर्क फॉर वेरियस नीड्स ऑफ ऑफेंस आई हैड नो वन विद मी एवरी वन अवेंडेंट मी आई न्यू द पेन ऑफ बींग अलोन and unwanted i didn't want anyone to go through the same experience and i feel immense pride and pleasure to see some of my children doing so well in their lives one of my children made a documentary on my life she says she says that she's running six orphanages ऑर्फिनेज हाउस शी रिमेंबर्स उन्होंने कहा कि वो करीब इस समय छः अनाथालय चला रही हैं और शी रिमेंबर्स दैट दैट टाइम एवरी वन अबेंडेंट मी उन्होंने कहा वो याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय मुझे सबने छोड़ दिया था शी फेल्ट द पेन ऑफ अलोनैस एंड अनवान्ट और उन्होंने इस चीज़ का दुख है दुख है कि वो अकेले अकेलेपन का और अनवॉन्टेड चाइल्ड का दुख क्या होता है वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं शी फील्स प्राइड दैट सम हर चिल्ड्रन डूइंग वेल देअर लाइफ लाइफ वन ऑफ दैम मेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन हर लाइफ उन्होंने कहा कि जो बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए थे वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उनमें से एक ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है नेक्स्ट लाइन्स her life's story inspired many and a marathi film called the me sindhutai sapal was made on her which went on to win a national award i used to beg earlier to fulfill the needs of my children and i will continue to do so she says here sindhutai says that marathi film called मी सिंधुताई कोर्ट नेशनल अवार्ड यानि कि उन्हीं के एडॉप्ट किए हुए बच्चे ने में से एक ने उनके ऊपर एक फिल्म बनाई सिंधु मी सिंधुताई जिसका नाम था और उसने नेशनल अवार्ड उस फिल्म ने प्राप्त किया लाइफ ऑफ सिंधुताई इंस्पायर्स टू ऑल ऑफ अस। डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स, शी कैप्ट स्टैंड फर्मली फॉर हर गुड वर्क लाइफ ऑफ सिंधुताई इंस्पायर टू ऑल ऑफ यानी कि सिंधुताई की जो लाइफ है हम सब के लिए इंस्पिरेशन है और उन वो मुसीबत में भी बहुत मजबूती के साथ खड़ी रहे दैट इफ यू आर डेडिकेट नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड दैट मीन्स शी प्रूव्ड दैट इफ र डेडिकेटेड नो वन कैन स्टॉप यू यानी कि उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि अगर तुम अपने काम के प्रति डेडिकेट हो समर्पित हो तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता दिस ग्रेट लेटी हैज़ बींग काइंड हार्टेड एंड इंस्परेशन टू अनवॉन्टेड चिल्ड्रन और ये बहादुर महान लेडी उन्होंने जो दूसरों के लिए एक आशा की किरण है और एक इंस्परेशन है अनवॉन्टेड child it is a lovely story of a lady so chapter has finished thank you students